तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। यानी इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक से इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें लुब्रिकेंट्स की, तो लुब्रिकेंट्स को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। वो तीन भाग क्या है? पहला आपका आता है लिक्विड लुब्रिकेंट, यानी जो लिक्विड फॉर्मेट में होता है। दूसरा आता है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, यानी वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद आपका थर्ड आता है सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी जो सॉलिड फॉर्मेट में रहता है। अब बारी बारी से इसके डेफिनेशन को, इसके एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं, और इन चीज़ों को आप लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा। सबसे पहले आपका आता है लिक्विड लुब्रिकेंट, ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इट इंक्लूड एनिमल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड द पेट्रोलियम ऑयल्स एंड द सिंथेटिक ऑयल लुब्रिकेंट। यानी इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जो आपका जानवरों से जो तेल निकलते हैं वो आते हैं, जो सब्जियों से तेल निकलते हैं वो आते हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल होता है वो इसके अंदर आता है, और जो सिंथेटिक जो लुब्रिकेंट होते हैं वो लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर आते हैं। एनिमल ऑयल क्या होता है? एनिमल ऑयल में आपका आता है टैलो ऑयल, अवेल ऑयल एंड लॉड ऑयल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एनिमल ऑयल्स में आती हैं। और वेजिटेबल ऑयल में आपका आता है कास्टर ऑयल, पाल्म ऑयल, ओके। उसके बाद आपका जो पेट्रोलियम ऑयल में आता है उसमें आपका पेट्रोलियम फ्रिक्शन, मिनरल ऑयल, और जो आपका सिंथेटिक लुब्रिकेंट आता है जिसमें आपका पॉलीग्लाइकोल एंड सिलिकॉन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा और अंडरलाइन करके इन चीज़ों को लिखिएगा। अगला आपका क्या आता है? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, जिसे हम लोग ग्रीस भी कहते हैं, ये आखिर होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट आर फॉर्म्ड बाई इमल्सीफाइंग ऑयल एंड फैट विथ टिकिंग अगेंस्ट एजेंट्स लाइक सॉप और सोडियम कैल्शियम लिथियम एल्यूमिनियम एट द हायर टेम्परेचर। यानी जो जो आपका सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं वो किससे फॉर्म्ड होते हैं? जो आपका इमल्सिफिकेशन होते हैं ऑयल का, किसके मदद से? जो आपके एजेंट्स होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, हाई टेम्परेचर पे, इसके मदद से ये क्या होते हैं? सॉलिड जो आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है वो बनता है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की बात करें, जिसे हम लोग ग्रीस भी कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीस की हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है सोडा बेस्ड ग्रीस। इसमें कह रहा है कि इन दिस केस सोडियम सोप्स आर यूज्ड एज ए थिकिंग एजेंट्स इन द मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस केस के अंदर जो सोडियम सोप्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं थिंकिंग करने के लिए एजेंट्स को, जो पेट्रोलियम ऑयल जो आपका सोडियम सोप होता है उसके लिए। एंड दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड दे कैन बी यूज अप टू 175 डिग्री सेल्सियस। यानी ये लगभग क्या करता है? लगभग 175 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को क्या करता है? ये यूज कर सकता है। उसके बाद आपका आता है लिथियम बेस्ड। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस केस लिथियम सोप्स आर इमल्सीफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस केस के अंदर जो लिथियम सोप्स होते हैं वो इमल्सीफाइंग होते हैं पेट्रोलियम ऑयल से, एंड दे आर वाटर रेजिस्टेंट एंड यूज अप टू द 150 डिग्री सेल्सियस। यानी ये क्या करता है? लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को कैरी करता है। अगला आपका आता है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस केस कैल्शियम सोप्स आर इमल्सीफाइंग विद पेट्रोलियम ऑयल। यानी इस केस के अंदर जो कैल्शियम सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमल्सीफाइंग होते हैं पेट्रोलियम ऑयल से, एंड दे आर ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंस एंड यूज अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। यानी ये लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को कैरी करता है। एंड एट द हायर टेम्परेचर सोप्स एंड पेट्रोलियम ऑयल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी हायर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो आपका पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं और जो सोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला आपका आता है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है? तो इसमें आपका आता है ग्रेफाइट, जो आपका मोलिबिडियम, जो आपका डाइसल्फाइड होता है जिसे हम लोग MOH2 कहते हैं, बोरोन नाइट्रेट जिसे हम लोग BNX कहते हैं, आर द प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। यानी ये क्या होते हैं? एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं, एंड दे आर यूज्ड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड द हाई लोड प्रेशर। यानी इसका जो यूज होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसका यूज होता है। और यहाँ पे हम बात करें सॉलिड लुब्रिकेंट की, तो ग्राफाइट होता है। इसमें कह रहा है कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट। यानी ये काफी मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होते हैं। एंड ग्रेफाइट हैज लेयर स्ट्रक्चर, लेयर आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। यानी इसमें क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, और जो लेयर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? जो आपका वैन डर वाल फोर्स होता है उसकी मदद से बनता है, विच फैसिलिटेट द इजी स्लाइडिंग ऑफ वन लेयर ऑन द अनदर लेयर, एंड इट इज वेरी सॉपी टू टच एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। यानी ये क्या होता है? काफी सॉपी होता है अगर हम उसको टच करके देखेंगे तो, और इनसॉल्युबल इनफ्लेमेबल फॉर्मेट में भी होता है। एंड इट इज यूज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस। यानी ये लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पे यूज होता है।
एंड दे आर आइदर यूज एज अ पाउडर फॉर्म द मिक्सड विद द ऑयल और द वाटर. ओके, यानी ये इस फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में यूज होता है. तो फ्रेंड हमारा जो अगला है आपका वो है मोलिब्डेनियम, जो आपका डाइसल्फेट होता है, जिसको हम लोग MOH2 कहते हैं. इट इज अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये लगभग सैंडविच के स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है, यानी इसका स्ट्रक्चर सैंडविच के आकार का होता है. इन विच द हेक्सागोनल लेयर ऑफ द मोलिब्डेनियम लाइज बिटवीन द टू हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ द सल्फर, यानी यू जो आपका दो सल्फर्स होते हैं हेक्सागोनल लेयर्स के, उनके बीच में ये लाइज करता है. और यहाँ पे कह रहा है कि लाइक ग्रेफाइट ईच लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर विद वीक वैन डर वाल फोर्सेस, यानी ग्रेफाइट के वजह से ये जो होते हैं इनके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्स होता है एंड इट इज स्टेबल अप टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो गई होंगी. ये भी पॉइंट आप उनमें ऐड कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा. ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.